नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव का बेहद खास शो मदरहुड मंत्रा। दोस्तों, डेंगी या डेंगू कह लीजिए, ये एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिससे हमारे बच्चों को बहुत खतरा रहता है। जी हाँ, और बच्चों को इसलिए ज़्यादा खतरा रहता है क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे ध्यान नहीं देते, बच्चे खेलने भी जा रहे हैं, और वो एक मेजर टाइम होता है जब बच्चे को डेंगू होने का खतरा होता है। जी हाँ, तो आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि डेंगू से अपने बच्चों को कैसे बचाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। देखिए, डेंगू मच्छर के काटने से एक फैलने वाली बीमारी है। अब मच्छर के काटने से ये कैसे हो जाती है? देखिए, जब दोपहर का टाइम यानी कि जब शाम के टाइम पे मच्छर नहीं ये पनपे जाते हैं, पहली बात ये क्लियर कर लीजिए, शाम के टाइम बच्चे को मच्छर काट रहा है तो नहीं होगा डेंगू। ये दिन के टाइम ही बच्चे को मच्छर काटता है, बहुत लोगों में कन्फ्यूजन होती है। दिन के टाइम ये मच्छर जो होता है एक्टिव होता है और दिन के टाइम बच्चों को काटता है, तो इसलिए कोशिश करें कि दिन के टाइम बच्चों को बाहर ना निकालें। अगर बच्चा स्कूल जाने वाला है तो फुल स्लीव उसे पहनाएं। बच्चों के लिए आजकल तो बहुत सारे मॉस्किटो के बचने के उपाय आ गए हैं, उनके लिए एक लिक्विड आता है जिससे अगर आप बच्चों के कपड़ों में लगा दी जाएं तो मच्छर नहीं आते। लेकिन अपनी तरफ से प्रोटेक्शन आप इस तरह से कर सकते हैं, बच्चों को फुल स्लीव बनाएं, फुल स्लीव बाजू में, फुल स्लीव उनके पैरों में। कोशिश करें बच्चों को मोजे भी पहना कर रखें, चप्पल ना पहनाएं, मोजे पहना कर रखें और शूज़ पहना कर रखें। दूसरी चीज़ ये है, घर में हमेशा आपके कोई ना कोई मच्छर भगाने वाली कोई ना कोई, चाहे आप उसे कॉइल लगा लीजिए, चाहे आप उसे एक दवाई के तौर पर जो स्विच में लगाया जाता है वो लगा लीजिए, कुछ ना कुछ आप हमेशा अपने घर में मॉस्किटो भगाने के लिए करते रहें। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि खिड़की दरवाजे हमेशा बंद रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्टिव मैंने जैसे कि बताया दिन के टाइम रहता है, रोशनी के टाइम रहता है, तो आपको वो चीज़ रखनी है, खिड़की दरवाजे बंद रखने हैं। तीसरी चीज़, अपने घर में कोई भी ऐसा बर्तन, कोई भी ऐसा ना हो जो कंडेम पड़ा हो और वो पानी से भरा हो। जी हाँ, क्योंकि ये साफ पानी में पनपते हैं। देखिए, बाल्टी अगर भरी है तो वो ना भर के रखें। अगर कोई बर्तन, कोई नारियल ही ले लीजिए, नारियल ही भर के रखा हुआ है, कई लोग होते हैं नारियल के उसमें ही मिट्टी डाल देते हैं या पानी डाल देते हैं चिड़ियों को पिलाने के लिए, उनको पिलाइए अपने घर से थोड़ा सा दूर, ठीक है। पानी कोई भरा हुआ नहीं होना चाहिए कहीं पर भी, क्योंकि देखिए ये जो मच्छर होता है ना वो साफ पानी में पनपता है और हमें कहीं भी पानी भरा हुआ नहीं रखना है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और देखिए, बहुत सारे ऐसे मच्छर भगाने के लिए आपके घरों के आसपास जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगे वो एडवाइजरी भी जारी करते हैं, साथ ही वो साफ सफाई का भी आपके घरों के आसपास ध्यान रखते हैं, तो आप भी अपने घर का ध्यान रखें, अपने आसपास का भी ध्यान रखें, कुछ चीज़ें पानी से भरी ना हो, बच्चे ज़्यादा एक्सपोज दिन के टाइम ज़्यादा बाहर ना जाएं, अगर छोटे हैं स्कूल जाते हैं तो फुल स्लीव की चीज़ें पहनाएं, और घर में भी हैं अगर बच्चे तो फुल स्लीव की चीज़ें पहनाएं। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब भी बच्चों को बुखार आए, तेज़ बुखार आए, तो प्लीज़ डॉक्टर से मिले, ज़रूर मिले, क्योंकि देखिए ये जो मानसून का मौसम होता है ये बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। फ्लू के साथ साथ जो डेंगू होता है ये भी फैलता बहुत है, और हमारे नन्हे मुन्नों को कई बार क्या होता है ना, बुखार हो रहा होता है वो बताते नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम अपने बच्चों का ध्यान रख सकते हैं और साथ ही उन्हें डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी से बचा सकते हैं।